तो दोस्तों आज 22 जून 2020 सोमवार का दिन हो चुका है, तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं शिक्षा विभाग से जुड़ी कुछ ताज़ा खबरों की और कुछ बड़ी खबरों की। राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ व शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री को मेल व पत्र भेजकर व्याख्याता परीक्षा 2018 का परिणाम जारी कर शीघ्र नियुक्ति देने की मांग की। आपको बता दें महासंघ के प्रदेश महामंत्री राव गोपाल सिंह व शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश संयुक्त मंत्री सतीश शर्मा के अनुसार राज्य में 16,000 से ज़्यादा व्याख्याताओं के पद खाली हैं। कोरोना की वजह से हुए लॉकडाउन ने प्रदेश के बेरोजगारों को भी तगड़ा झटका दिया। आपको बता दें एक तरफ नई भर्ती अटक गई है तो दूसरी ओर जिन भर्तियों की परीक्षाएं हो चुकी है उनके परिणाम भी अभी तक जारी नहीं हो पाए हैं। आपको बता दें परेशान बेरोजगार राज्य सरकार के बेरोजगारी भत्ते की योजना की आस में भी उलझे हुए हैं। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की ओर से यूजी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पीजी प्रवेश के स्टूडेंट्स को प्रोविजनल के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन एडमिशन 15 जून से करने के आदेश जारी किए थे, लेकिन 5 दिन के बाद भी पोर्टल अभी शुरू नहीं हुआ है। आपको बता दें कोरोना संक्रमण काल में शिक्षा संकाय के उच्च विद्यार्थियों को राहत दी गई है, जिसमें उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षा संकाय के विभिन्न पाठ्यक्रमों जिनमें बीएड बीए बीएड बीएससी बीएड एकीकृत 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स एमएड और बीए बीएड एकीकृत 3 वर्षीय पाठ्यक्रम बीपीएड एमपीएड में अध्ययनरत अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को छोड़कर शेष कक्षाओं के विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में प्रोविजनल आधार पर प्रमोट किया गया है। शिक्षा विभाग में कार्यरत प्रबोधकों की डीपीसी 9 साल बाद भी नहीं हो पाई। आपको बता दें प्रबोधकों को पदोन्नति देने की मांग की गई है। लॉकडाउन की वजह से जेई मेन एडवांस और नीट की परीक्षाएं स्थगित हो गई थी, अब इन परीक्षाओं की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। जेई मेन की परीक्षा 18 से 23 जुलाई तक और जेई एडवांस की परीक्षा 23 अगस्त को होगी। नीट की परीक्षा 26 जुलाई को आयोजित की जाएगी। राजस्थान प्रदेश के सभी सरकारी स्कूल 24 जून से खोले जाएंगे। हालांकि स्कूल तो खोल दिए जाएंगे लेकिन विद्यार्थियों की स्कूल में पढ़ाई शुरू नहीं होगी। 24 जून से स्कूल खोले जाने के बाद शिक्षकों और कर्मचारियों को ही स्कूल में आना होगा। वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते शिक्षा विभाग ने सत्र 2020-21 में प्रदेश भर के सरकारी विद्यालयों में अभी तक नामांकन प्रक्रिया शुरू नहीं की है। वहीं विभाग की ओर से हर वर्ष की भांति इस साल नए सत्र की शुरुआत भी नहीं की है। कोविड-19 के चलते प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। आपको बता दें 24 जून से स्कूलों में अध्यापक प्रधानाचार्य शैक्षणिक स्टाफ आना शुरू हो जाएंगे। वे विद्यालय में नामांकन प्रक्रिया की तैयारियाँ करेंगे। CBSE की 10वीं और 12वीं की बची परीक्षाएं सहित JEE मेंस और नीट की जुलाई में प्रस्तावित परीक्षाओं को लेकर सोमवार को संशय खत्म हो गया। आपको बता दें अभिभावकों की दबाव कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय पहले परीक्षाओं को टालने के संकेत दे चुका है, लेकिन अब इस परीक्षा पर अंतिम मोहर लग सकती है। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के वंशजों ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों में ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ पर कड़ी आपत्ति जताई है। ऋषिराज सिंह मेवाड़ ने कहा कि स्कूली किताबों में इतिहास को बेतुके ढंग से पढ़ाने पाठ्यक्रम निर्धारकों को भूमिका में बैठे लोगों की अज्ञानता और कमजोर मानसिकता का प्रत्यायक है। राज्य सरकार के विभागों में 1 जुलाई से ईमेल पोर्टल सिस्टम बदल जाएगा। आपको बता दें राज्य सरकार ने ई प्रोस पोर्टल पर सरकारी ईमेल सिस्टम सेवाओं का अगले माह की 1 तारीख से उपयोग शुरू किया जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय में पूर्व स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए 24 घंटे में 57,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया। आपको बता दें पोर्टल पर पंजीकरण कराने की प्रक्रिया शनिवार शाम 5 बजे शुरू हुई और 4 जुलाई तक जारी रहेगी। नए पदों पर भर्ती पर फिलहाल रोक। वर्कशॉप में मैन पावर को नए श्रेय से व्यवस्थित करना, आउटसोर्स होने लायक काम कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के जरिए कराने, स्टेशनरी के खर्च को 50% तक घटाने और औपचारिक कार्यप्रणाली को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट करने आदि को लेकर रेलवे ने नए पदों पर भर्ती को रोक दिया है। कोरोना के खिलाफ प्रदेश में सोमवार से 10 दिवसीय जागरूकता अभियान शुरू किया जाएगा। देश के पहले इस अभियान में प्रदेश की 11,500 ग्राम पंचायतें वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जोड़ी जाएंगी। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा में परीक्षा सत्र जून 2020 में आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन डिफॉल्टर परीक्षा फार्म भरने की अंतिम तिथि 22 जून निर्धारित की गई। आपको बता दें क्षेत्रीय निदेशक बलवान सिंह सैनी ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए विश्वविद्यालय द्वारा 17 जून 2020 की मुख्य परीक्षा 2 फेज में आयोजित की जाएगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की शेष परीक्षाओं का आयोजन जारी है। ब्रेक के बाद अब सोमवार से 12वीं कला वर्ग और कॉमर्स के विद्यार्थियों के शेष पेपर होंगे। बोर्ड इन परीक्षाओं की तैयारियां पूरी कर चुका है। प्रदेश के बीएड एमएड कॉलेजों में भी प्रोविजनल प्रवेश के आदेश जारी कर दिया। आपको बता दें साथ ही बीएड एमएड के विद्यार्थियों को इंटर्नशिप में भी राहत मिली है। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने कोविड-19 के चलते अपनी इंटर्नशिप पूरी नहीं की है वे अब अगले सत्र में इसे पूरा कर सकेंगे। इस संबंध में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने रविवार को आदेश भी जारी कर दिए।
तो दोस्तों ये थी आज 22 जून 2020 से जुड़ी शिक्षा बाकी की कुछ बड़ी खबरें। शिक्षा बाकी जुड़ी प्रत्येक बड़ी अपडेट के लिए लगातार बने रहे आप हमारे साथ में। प्रत्येक बड़ी खबर का नोटिफिकेशन लगातार आप तक पहुंचता रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथियों राजस्थान के BSTC, PTT, पुलिस पटवार आदि से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए आदि को समर्पित इस चैनल पर हम आपके लिए प्रत्येक परीक्षा परिणाम से लेकर कॉलेज आवंटन की प्रत्येक प्रक्रिया को सबसे पहले प्रमाणिक तौर पर लेकर आने का प्रयास करते हैं। यदि आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपके कमेंट के आधार पर समस्या समाधान का पूर्ण प्रयास करेंगे। आज की वीडियो में साथी बस इतना ही। नमस्कार।